हरिओम। कथा आरंभ हो तू है, बैठो मेरे जजमान। एक सुदामा भक्त थे, दूजे कृष्ण भगवान। सुनो खोल कर कान। तो बंधुओं, मित्रों, भ्राताओं और माताओं, आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान और उनके वेरी वेरी पुअर फ्रेंड अर्थात बहुत गरीब मित्र सुदामा जी की कथा सुनाता हूं। मित्रों, सुदामा जी बहुत गरीब थे और उस पर घर में खाने वाले एक कम 30, एक सुदामा जी, दूजे उनकी पत्नी और बाकी 27 पीसी चिल्ड्रन अर्थात के 27 अदद बच्चे। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि गरीबों के घर में संतान जरा ज्यादा ही होती है और उन दिनों बर्थ कंट्रोल भी नहीं था। तो गरीबी और भूख से तंग आकर सुदामा जी की पत्नी ने एक दिन सुदामा जी से कहा, मेरे स्वामी भूखा मरना गया, मेरे स्वामी भूखा मरना गया। जब कृष्ण से साथी है तेरे, फिर छुप छुप आहे भरना गया, मेरे स्वामी भूखा मरना गया, मेरे स्वामी भूखा मरना गया। तो सज्जनों, मिसेस सुदामा की ये बात मिस्टर सुदामा की समझ में आ गई और वो प्रातः काल ही द्वारका की यात्रा के लिए तैयार हो गए। जाते समय उनकी पत्नी ने ये कहा कि बचपन के मित्र से मिलने जा रहे हो, कुछ भेंट तो लेते जाओ। मगर घर में था ही क्या सजनों जो वो लेकर जाता। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, एक मुट्ठी भर चावल पोटली में बांध कर सुदामा जी को दे दिए। तो सज्जनों, सुदामा जी दिन भर चलते रहे चलते रहे। रास्ते में कई नदियां आई, उन्होंने तैर कर पार कर ली। पहाड़ आए, किंतु जूं तूं करके उन्होंने पहाड़ भी पार किया। उसके बाद शाम पड़ गई और सुदामा जी को भूख ने बहुत तंग किया। इधर उधर देखा मगर उनको खाने को कुछ नजर नहीं आया। इतने में सुदामा जी ने क्या देखा कि उनके सामने एक जंगल की बकरी आकर खड़ी हो गई है। सुदामा जी मन में बहुत पुलकित हुए। उन्होंने विचार किया अपने मन में कि ये बकरी का दूध पीकर अपने पेट की अग्नि को शांत कर लेते हैं। मगर बकरी भी सजनों बड़ी क्लेवर थी। जब उसने देखा कि सुदामा जी उसकी तरफ आ रहे हैं, तो उसने क्या किया, धड़ कर तू ना कहता करके वहां से फौरन भागी। सुदामा जी ने बकरी को भागते देखा तो जोर से पुकारा, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। देखना तू फटे हुए कपड़े, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। परंतु सज्जनों, सुदामा जी की ये बेसुरी तान बकरी देवी जी को पसंद नहीं आई। तो बकरी भागकर खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ गई। सुदामा जी ने भी ये सोचा कि मैं भी इस दरख्त के नीचे अपनी रात व्यतीत कर लूं। तो सुदामा जी दरख्त के नीचे लेट गए। अब नीचे से सुदामा जी ऊपर बकरी को देख रहे थे और बकरी नीचे सुदामा जी को ऊपर से देख रही थी। फुल मून था सज्जनों, फुल मून, फुल मून। और बकरी को देखकर सुदामा जी ने कहा, खोया खोया चाल खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, आंखों में सारी रात जाएगी। बकरी भी हंस कर बोली, तुझको भी कैसे नींद आएगी, तुझको भी कैसे नींद आएगी। अब सज्जनों, भगवान की लीला देखो। जब सुदामा जी की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को गोमती नदी के तट पर पाया और फिर सुदामा जी ने स्नान किया, चंदन रगड़कर माथे पर लगाया, फिर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। सुदामा पांडे का नाम सुनना ही था कि श्री भगवान कृष्ण बिजली की तरह दौड़कर द्वार पर पहुंचे। फिर सुदामा जी को भगवान कृष्ण महल में ले आए, अंदर लाकर उन्होंने उनको उच्च स्थान पर बिठाया और फिर चरण धोए। चरण धोकर चरणामृत सारी द्वारका में बांट आ गया और फिर भाभी के भेजे हुए रूखे सूखे चावल श्री भगवान कृष्ण ने इस तरह चबाए जिस तरह के आजकल आप देहरादून की बासमती खाते हैं। इस प्रकार 7 दिन अनंतपूर्वक
सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहे। आठवें दिन उन्होंने भगवान से अपने घर जाने की आज्ञा चाही। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को खुद द्वार तक छोड़ने के लिए आए। सुदामा जी वहां से विदा हुए। रास्ते में आते आते उन्होंने मन ही मन में कृष्ण को कोसा कि मेरी सेवा तो इतनी की है परंतु मेरी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। सुदामा जी बहुत दुखी हुए और एक बड़े पत्थर के पास बैठ गए और श्री भगवान कृष्ण को ध्यान में रखकर रोकर कहने लगे, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। तो मित्रों इसी प्रकार रोते रोते थके मांदे गिरते गिराते सुदामा जी सुदामा नगरी में पहुंचे। अपनी कुटिया को ढूंढने के लिए जब वो अपने स्थान पर पहुंचे तो हैरान रह गए। क्या देखते हैं कि उनकी कुटिया की जगह वहां पर एक महल खड़ा है। बेचारे बहुत परेशान हुए तो क्या देखते हैं कि ना उनकी कुटिया है और ना ब्राह्मणी है उनकी। तो फिर सुदामा जी ने देवदास बनकर अपने कान पर हाथ रखकर अपनी ब्राह्मणी को पुकारा, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। तो मित्रों इतने में महल के अंदर से एक सुंदरी माथे पे बिंदिया लगाए और पांव में बिछुआ पहने बाहर आई और जाकर उसने सुदामा जी के चरण छुए। सुदामा जी बिदक कर पीछे हट गए और कहने लगे, अरे ओ मधुमती पराई नारी, तू मेरे पांव क्यों छूती है। तब सुदामा जी की स्त्री ने हाथ जोड़कर अपना घूंघट उठाया और कहा कि हे प्राणनाथ, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। तब सुदामा जी बहुत खुश हुए। तब उनकी पत्नी ने उनको बताया कि ये सब भगवान कृष्ण की लीला है, जो महल खड़ा हो गया है ये सब आपके मित्र की देन है। तो सज्जनों ऐसे ही सज्जनों मेरी ये प्रार्थना है कि सबके महल बनते रहे। इसलिए अब अंत में सब एक साथ होकर कहिए, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण की, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण की।